आपको जब अमेरिका में जाने का मौका मिलेगा तो आप देखिएगा कि अमेरिका के अंदर शिकागो के अंदर जो है वो जिस स्थान पे खड़े होके स्वामी विवेकानंद ने 11 सितंबर 1893 को जो वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ रिलीजन्स में भाषण दिया था उस स्थान को वो जो है उन्होंने इतना बड़ा पवित्र दर्शनीय स्थल बना दिया है शिकागो के आर्ट म्यूजियम के पास। कभी भी अमेरिका जाने का मौका मिले शिकागो ज़रूर जाइए, उस स्थान को ज़रूर देखिए, आपको ध्यान में आएगा कि भारत की महानता का जो अनुमान आपको वहाँ जाकर होगा। स्वामी विवेकानंद के नाम पर यूनिवर्सिटी, स्वामी विवेकानंद के नाम पर रोड, स्वामी विवेकानंद ने जिस स्थान पर खड़े होकर वो हिस्टोरिक एड्रेस दुनिया के लोगों को दिया वो स्थान भी उनके लिए इतना पवित्र उन्होंने बना दिया कि आप कल्पना नहीं कर सकते, आप सोच नहीं सकते। कभी कभी हमें हमारी जो ग्रेटनेस होती है उसका आभास नहीं होता, उसका अनुमान नहीं होता कि हम कितने महान हैं। इसलिए मैं हमेशा ये भी लोगों को कहता हूँ कि भाई अपनी जो हमारी खाली सांस्कृतिक विरासत नहीं, हमारी जो इस देश की जो एंशिएंट विरासत है, जो हमें कोई लोग विश्वगुरु ऐसे फालतू में नहीं कहते थे, या ऐसे नहीं कि हम ही लोग अपने आप को विश्वगुरु कहते हैं, हमारे बारे में विदेशियों ने हर विषय के ऊपर बहुत सारा कुछ लिखा है कि वाई वी वर विश्वगुरु। समाज जीवन के हर क्षेत्र में हम जो है संसार के अंदर ऊंचाइयों पर थे। तो एनवायरनमेंट मिनिस्टर बनने के बाद मैंने जब इस बात का अध्ययन किया कि एनवायरनमेंट के लिए क्या करना ज़रूरी है, और लोगों से बात करते हैं तो अभी आपसे भी मैं पूछूंगा कि एनवायरनमेंट के लिए क्या करोगे, तो ज़्यादातर आप में से लोग हाथ खड़ा करके कहेंगे कि हम एक पेड़ लगाएंगे, एक पौधा लगाएंगे, और उसी को हम घूम फिर के एनवायरनमेंट की रक्षा का प्रतीक मानते हैं। लेकिन हमने ऐसे इसको अगर एक विषय माने तो हमने ऐसे करके लिखते लिखते 500 से ज़्यादा ऐसे अच्छे कामों की लिस्ट बनाई और उनको हमने कहा कि ये ग्रीन गुड डीड्स हैं, ये पर्यावरण की रक्षा के लिए छोटे छोटे अच्छे काम जो समाज के कोई भी लोग कर सकते हैं बिना किसी किस्म का विशेष प्रयास, बिना किसी किस्म के विशेष कोई उसके लिए पैसा नहीं खर्च होता, और उन प्रयासों को करते हुए, उन ग्रीन गुड डीड्स को करते हुए और हम पर्यावरण की सही मायने में रक्षा कर सकते हैं। और जो पर्यावरण हमें हमारे पूर्वजों ने दिया था, बुज़ुर्ग लोगों के समय में साफ़ सुथरी हवा होती थी, साफ़ सुथरी नदियाँ होती थी, जो हमारे दादा ने हमारे को गंगा स्नान कराया है, हमारी दादी ने, वो तो हम हमारे बच्चों को अभी कराने की स्थिति में नहीं है, हम सब जानते हैं। और घने जंगल होते थे, उपजाऊ ज़मीन होती थी, प्रकृति के साथ एक बड़ा आदर का सम्मान का भाव होता था। प्रकृति को हमारे यहाँ तो कोई पुत्र, माता पिता, ये सब हमारे नेचर को, रिवर्स को और इन सब को, ये सब चीज़ें देवी देवता यही सब को मानते हैं। बड़े बुजुर्ग भी रात को पेड़ को छूने के लिए मना करते हैं, चींटी को भी आटा डालते हैं, इस प्रकार का सांप को भी दूध पिलाते हैं, इस तरह का नेचर के साथ भी समन्वय का हमारे को भाव सिखाया गया है। और कितने सारे एथिक्स कोड ऑफ कंडक्ट हमें नेचर की रक्षा के लिए बताए गए हैं, लेकिन शायद हम वर्षों के अंदर उनको भूल गए हैं, ठीक से नहीं पालन कर रहे। इसलिए दुनिया के साथ साथ भारत के लिए भी क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, ये एक बड़े खतरे के रूप में जो है सारी दुनिया के सामने प्रस्तुत हुआ है। हमारी सबकी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि वो बच्चे जो अभी भारत में पैदा नहीं हुए हैं उनको हमें कौन सा एनवायरनमेंट देना है, जो उनका राइट है, उस एनवायरनमेंट को जो हमें पूर्वजों से प्राप्त हुआ था उसको वापस लौटाने के लिए हम सबको एक संगठित प्रयास करना होगा। और उस संगठित प्रयास को करने के लिए एक छोटा सा मॉडेस्ट तरीका हमने ये शुरू किया कि ग्रीन गुड डीड्स का आंदोलन भारत में विकसित किया जाए। हर भारतवासी को हर रोज़ कम से कम एक ग्रीन गुड डीड करने के लिए प्रेरित किया जाए, मोटिवेट किया जाए। हर स्वयंसेवी संस्था, हर व्यक्ति, हर स्कूल वाला, हर कॉलेज वाला, सब इस ग्रीन गुड डीड्स के आंदोलन के साथ जुड़े
और ग्रीन गुड डीड्स करने के काम को हमने कहा कि ये हर भारतवासी की, हर दुनिया के व्यक्ति की ये ग्रीन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। शान इसकी नहीं घटने देना कभी, इस चमन को सजा